हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जो आपने थंबनेल में पढ़ी लिया है कि हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, वेबसाइट है जिसको IRCTC का है, उसको आप एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें कैसे एड लगा करके जो आप इनकम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा किस तरह से करना होगा, कैसे नहीं करना होगा। और मैं बता दूं कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इसी ना पे नहीं आ पा रहा था। और अब से जो है स्टेप बाय स्टेप जो हमने बताया था, आगे आपको पता चल जाएगा वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप जो हर एक एक जो चीज़ है उसको मैं क्लियर करता जाऊंगा और आप भी जो है फिर आसानी से जो है एप्लीकेशन बनाने लगेंगे, जो एंड्रॉयड ऐप जो है आप बना सकते हैं और उसको आप प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं या फिर आप जो है गूगल ड्राइव पर या कहीं और अब जहाँ चाहे वहाँ पर आप इसको पब्लिश कर सकते हैं या फिर उसके बाद जो है आप जो है अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको जैसा जानते हैं कि एप्लीकेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, कम से कम जो है रोज़ाना का $15 तो आ ही जाते हैं। तो इसी बिना पे आप चलिए वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बस जल्दी से चलिए वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। और आप एक चीज़ बता देते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो तो PC में, अगर आपके पास PC नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए और वहाँ पर आपको जो है ऑप्शन खोल के आ जाएगा, जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करिएगा। जब क्रोम ब्राउज़र में आप जाके उसको राइट क्लिक करके जो है आपको वहाँ पर ऑप्शन दे देगा खुल के जो आता है कि विंडो डेस्कटॉप साइट का है उसको ओके करेंगे, तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से इसमें ओपन करिए जिस तरह से PC में करते हैं और फिर आप भी जो है आप बना सकते हो वहाँ से। ये वीडियो आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने PC पे आ चुके हैं, अब डायरेक्टली जो है हम आपको ले चलते हैं ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में, और क्या वहाँ पे क्या ओपन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सर्च बार में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करना है AppyBuilder, सर्च करना है AppyBuilder। जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ आ जाएगा, तो किसी पे भी ओके कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, तो कुछ इस तरह का आएगा ऑप्शन खुल के। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, ये जो AppyBuilder है फर्स्ट में इसी पे ओके कर देना है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और मैं आपको बता दूं अगर आपके पास अगर मोबाइल है तो टेंशन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो है इधर उधर करने में, तो उसके लिए अगर आपके पास अगर हो सके तो माउस ले लीजिए या फिर उसी से जब तक काम चलाइए। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बिल्ड ऐप है, इस पर ओके करिए। जैसे ओके करेंगे तो कुछ अलग सा आएगा खुल के, वो देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे और किस तरह का आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पहले बता देता हूँ कि लॉगिन करने के लिए बोलेगा, चाहे साइनअप करने के लिए, तो आपके पास जो भी वो कर लीजिए। मैं तो लॉगिन कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो मेरे पास इस तरह का जीमेल आ जाएगा, तो आपके पास जो भी ईमेल हो वो जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए, आपका साइनअप कर लीजिए, साइनअप सिंपली सा क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीमेल आईडी सेलेक्ट को करेंगे तो आपका हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब डिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशन भी क्रिएट करी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने ये जो है बना के रखा था इसमें, जिसमें हमने अपने जो है कॉलेज का हमने रिजल्ट तैयार किया था, एक दिखा देता हूँ मैं किस टाइप का दिखा था और उसी टाइप पे मैं आपको इसको ओके करके बताता हूँ। फिर न्यू प्रोजेक्ट भी मैं बताऊंगा किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल तौर पर मैं एक को ओपन करके बता देता हूँ, बनाया था यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू में, तो आपको शायद जो उर्दू जानते हो समझ में आ जाएंगे, नहीं तो बाकी समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमने बनाया था, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन लगाया था, यहाँ पे हमने एड लगाया था और उसके बाद जो है हम अपने YouTube का चैनल का फिर डेवलप्ड बाय जिसके मतलब ये हमने बटन लगाया है क्लिकेबल है, यहाँ जो रिजल्ट का दिखाएगा शो करेगा यहाँ रिजल्ट है और यहाँ पे जो है मतलब यूनिवर्सिटी है वो उसके बारे में बताएगा। और साथ ही में चलिए तो कुछ हुआ इस तरह का, मैं आपको डायरेक्टली आप बता देता हूँ कि कैसे आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली जो है बैक आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको कि न्यू एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, तो मैं सिंपल सा बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके में। तो इस पर ओके करिए तो आपको जो है प्रोजेक्ट का नाम जो है लिखने के लिए आ जाएगा, मतलब कि आप जो एप्लीकेशन जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। तो मैं इसे किया ओके तो ये आ गया, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पे डाल देता हूँ, जैसे ट्रेन का मैं बनाने जा रहा हूँ तो इसका नाम देता हूँ जो एप्लीकेशन का नाम लाइव ट्रेन स्टेटस, सॉरी इस पर ओके करके मैं ये लिखा लाइव ट्रेन लिख दिया, सॉरी स्पेस नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर तो मैं स्पेस नहीं डालता हूँ और उसके बाद ट्रेन लिख देता हूँ और उसके बाद जो है ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज अलग से खुल के आ जाएगा, सिंपली सा उसमें कुछ करने की दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, पेशेंस रखिए आप।
तो कुछ इस तरह का आ गया इंटरफेस। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे बटन, ये चेक बॉक्स, बहुत सारा कुछ जो ऑप्शन है, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। और ये इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने इससे कितना अर्न किया वो भी दिखाऊंगा। तो ये आपका पेज दिया गया, इस पेज के अंदर जो है आप जो भी करेंगे, स्क्रीन है, और यहाँ पे ये जो है प्रॉपर्टीज है, जो भी करेंगे आप यहाँ पे जो है मतलब सेटल करने के लिए आएगा। और उसके बाद जो कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको जो जो ऐड करेंगे इधर से, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी। तो सिंपल सा, चलिए मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बात कर लूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डायरेक्टली एक जो है बना लेना है, एक बनाना है, एक वेब मतलब जो है एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। मैं इसको नीचे करता हूँ, तो नीचे आप यहाँ पे देख लीजिए, आएगा आपको यहाँ पे खुल के, यहाँ देख लीजिए वेब व्यूवर। तो क्योंकि हमको एक वेबसाइट को जो है एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तो वेब व्यूवर जो है इसको हमको पुट करना पड़ेगा। तो इसको पुट करने से पहले मैं ऐड लगाना सिखा देता हूँ, ऐड, लेकिन चलिए ऐड अभी रहने दीजिए, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, नेक्स्ट में मैं आपको ऐड लगाना बताऊँगा किससे लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, उसके बाद वेब व्यूवर जो है इस पर लॉन्ग प्रेस करते हुए इसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ पर लाके छोड़ देना है, खींच के लाके छोड़ देंगे तो कुछ इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली एक सिंपल सा जो है एक दूसरा जो है टैब खोल लीजिए। यहाँ पे आपको जो भी जो है रनिंग स्टेटस का है वो पता करना चाहते हैं, जो भी आपको जो वेबसाइट पसंद है वो ले लीजिए। तो चलिए मैं, मुझे जो पसंद है वो मैं निकाल लेता हूँ, TRN लाइव STU स्टेटस डाल के हमने इस पर ओके किया। तो देखिए बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, तो इसमें से आप जो भी ले सकते हैं, NTES का हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें से जो भी पसंद है वो ले लीजिए। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, थोड़ा सा ओपन हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आया क्या कि आप चाहे प्लीज़ इंटर ट्रेन नंबर और नेम कोई भी डाल दीजिए, उसके बाद आपको लाइव बता देगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली जो देख सकते हैं, ये ऊपर में ये लिंक जो दिख रही है आपको, ये लिंक को कॉपी कर लेना, चाहे Ctrl+C कर लीजिए या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। फिर चलिए अब उसी में जिसमें हम काम कर रहे थे, एपी बिल्डर में, तो ओके किए। और उसके बाद जैसे हमने ओके किया था, तो यहाँ पे वेब व्यू जो है कंपोनेंट्स में आ गया। अब इस पर ओके करके यहाँ पे बहुत सारी कुछ आ जाती है, जैसे जो पहले तो हम जो यू पहले तो हाइट विर्थ इसका, तो इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके बाद विर्थ हाइट और विर्थ इसको कुछ नहीं छेड़ना है। अच्छा, होम URL जो हमने इसको लाइव ट्रेन का जो कॉपी किया था, इसको लाके सिंपली हमको पेस्ट कर देना है। तो Ctrl+C कर दीजिए, V कर दीजिए, सॉरी V करेंगे तो हो जाएगा पेस्ट। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है आप जूमिंग वाला रखना चाहते हैं ठीक है, लेकिन हम तो कहते हैं जूमिंग वाले सिस्टम को हटा दीजिए। और उसके बाद जो है आपका एक एप्लीकेशन कन्वर्ट जो है तैयार हो चुका है। बटन वटन लगाना मैं आपको बाद में तैयार करूँगा। अब इसको इम्पोर्ट करने के लिए मतलब एप्लीकेशन में तैयार करने के लिए इसको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है आप यहाँ से टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में छोड़ से सबसे अच्छा है आप जो है डायरेक्टली बिल जो है इस पर ओके करिए। और उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे ये तो QR कोड का है, QR कोड नहीं लेना है, एप्सेप APK टू माई कंप्यूटर इस पर ओके करेंगे, तो आपकी जो है यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, या देखिए लोडिंग हो रही है, हो जाए जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी चीज़ करने में, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना है। और इसके बाद जो मैं बटन लगाना शुरू बताऊंगा, और उसके बाद जो है पेज जो है उसको कैसे बढ़ाना है, किस तरह करना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेवल बाय लेवल इसको पूरा बताता जाऊँगा। और पूरी एक सीरीज है जिसमें आपको मैं आपको बताऊँगा ऐड लगाना, उससे ऐड मूव अकाउंट बनाना किस तरह से करते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये देख लीजिए 95 हो चुके हैं, और थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको शो कर जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको वहीं पे शो कर जाएगा। तो चलिए देखिए, अभी तो हुआ नहीं है, अभी आ जाएगी, ये देखिए स्टार्ट हो गई है और डाउनलोड भी हो गई है, 3 MB की है, डाउनलोड हो गई है। तो मैं सिंपली सा इसको जाके क्या करता हूँ, शो इन फोल्डर ओके कर लेता हूँ, और इसको जो है 1 मिनट, शो इन फोल्डर ओके। अगर यहाँ से एग्जाम्पल तो नहीं बताया, ये बता दिया कहाँ पे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ बड़ा, तो ये देख लीजिए ये है। इसको मैं क्या करता हूँ कि डेस्कटॉप पे शेयर कर देता हूँ। इसको एक्चुअली हमको करना ये होगा कि इसको लाइव टेस्ट करवाने के लिए हमको जीमेल से चाहे किसी तरीके से मैं अपने मोबाइल में ले चलता हूँ और मोबाइल में भी दिखाता हूँ। तो इससे पहले इसको डेस्कटॉप पर शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हैं फाइनली जो है हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन लाइव ट्रेन वाली जो है, ये देख सकते हैं ये लाइव वाली। तो इसको जो है अभी लोगों से दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने लगाया नहीं था, वो मैं आपको बताऊंगा आइकन जो ट्रेन वाली भी डाल के। तो सिंपली सा मैं इसे ओके करता हूँ, तो देखिए ओके करते हैं तो किस तरह का आएगा, जो हमने ऐड किया था स्क्रीन नेम, ये देखिए सिंपल सा बिल्कुल इसी तरीके से एक एप्लीकेशन में आ गया, वही वेबसाइट। चाहे आप यहाँ पे नाम डाल लीजिए, नंबर डाल लीजिए, फिर डेट डाल लीजिए, और उसके बाद जो है जैसे मैं एग्जांपल तो यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ,
मैंने डाल दिया यहाँ पे लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से, जो इसको ओके किया और टुडे के डेट में, आज ही के डेट में मैं इसे सर्च करता हूँ तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ जाएगा। गेट स्टेटस चाहे लाइव स्टेटस जो भी करना हो गेट स्टेटस कर दीजिए तो जिस पे ओके कर, ये देखिए सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरीके से आ गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता रहा है सब कुछ ये सब, तो अलग से मैं इसको इंटरनेट इसको ऑफ करके देखता हूँ क्या है। सॉरी ये ऐड मांग रहा है इसी में, वो जीपीएस के लिए है तो इसको अलाउ करना ही पड़ेगा तभी तो लोकेशन दिखाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये सारा एप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरीके से आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं लेट जो जितना चल रहा है ऑन टाइम वहाँ से चला बिल्कुल। अब इसी तरीके से फिर बैक हो सकते हैं और फिर जाके जो आप इसमें आपको डायरेक्टली, अब फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो एड कैसे लगा सकते हैं, बैनर एड इंटरस्टिशियल एड जो है कैसे लगा सकते हैं और फिर पैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म कर लेते हैं।